अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चाइना चैनल। आज मैं फ़िश बिरयानी बनाने वाली हूँ। अब एक स्पेस वाला बाउल ले लें। अब उस बाउल में दो टेबलस्पून लाल मिर्च चाट कर लें, आधा टेबलस्पून हल्दी ऐड कर लें, आधा टेबलस्पून धनिया ऐड कर लें, डेढ़ टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने आनी ऐड किया। नमक स्वाद अनुसार आप ऐड करें। लाल कलर का जो फूड कलर रहता है वो मैंने आधा टेबल स्पून ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने बोनलेस में फ़िश लिया है, जो पॉम्पलेट है बिरयानी के लिए, मैं वो बोनलेस फ़िश ही हम बनाते हैं। वो बोनलेस फ़िश को हम जो मसाला बनाया है उस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी मच्छी को अच्छे से मिक्स करके उसको एक घंटा टाइम फ्रिज में मैरिनेट होने तक रखेंगे। अब मैंने एक पैन में तेल लिया है, वो पैन गरम, तेल गरम हो चुका है। अब उस तेल में मैं फिश को फ्राई कर लूँगी। ध्यान रखें कि एक साइड में दो मिनट ही फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इसके बिरयानी बनाने वाले हैं इसलिए मैं सिर्फ एक साइड में दो मिनट ही फ्राई करूँगी। दो मिनट के बाद मैं इस फिश को पलट कर अगेन इसको दो मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। दो मिनट के बाद इसे फ्राई कर लेना। दो मिनट के बाद आप निकाल लेना। इसी तरह बाकी के फिश को भी मैं फ्राई कर लूँगी दो मिनट के लिए। देखिए हमारा फिश फ्राई हो गया है, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। इसको ज़्यादा मसाला भी नहीं लगाना है, इसको ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। इस तरह फ्राई कर लेना। मैंने इस तरह सारे फिश फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। एक देगची में पौनी देगची पानी मैंने ले लिया है, उसमें आधा टेबलस्पून जीरा और पुदीना डालकर उबाल आने तक छोड़ेंगे। दूसरी तरफ एक छत्तल में जो फिश फ्राई किया है वही तेल ऐड कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल ऐड करूँगी। अब तेल गरम होने के बाद मैं इसमें दो पीस दालचीनी के, चार लौंग, तीन इलायची डालूँगी। इलायची अब तेल गरम होने के बाद, अब इसमें ये चीज़ें तलने के बाद आधा किलो प्याज चॉप बारीक कटा हुआ डालूँगी। बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। अब इस प्याज में मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि मेरी जो प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको इसके लिड से ढककर मैं इसे सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। देखिए हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन डालूंगी, दो से तीन टेबल स्पून अदरक लहसुन डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें 300 ग्राम चॉप किया हुआ टमाटर डालूंगी, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालूंगी, 1/2 टेबलस्पून धनिया डालूंगी। धनिया ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें वरना ना डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्च, 1/2 बंच चॉप किया हुआ कोथिमीर यानी कि धनिया पत्ती, 1/2 बंच पुदीना चॉप किया हुआ, मिंट लीफ, ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स करके टमाटर गलने तक इसको लिड मुझकर पका लूँगी। देखिए हमारा टमाटर आधा नरम पड़ गया है। अब इस स्टेज पर मैं 100 ग्राम दही डालूंगी, जो खट्टा दही होता है बिरयानी में खट्टा दही डालते हैं वही दही डालना, डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर नमक चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्याज में नमक ऐड किया है। अब इसको 5 मिनट इसको लो फ्लेम में पकाऊंगी। दूसरी तरफ हमारे पानी में उबाल आ गया है, देखिए फ्लेम लो कर दूंगी। फ्लेम लो करने के बाद इसमें जो भी पुदीने के पत्ते हैं यानी कि पुदीने के पत्ते मिंट लीफ, वो सारे मैं निकाल लूंगी। सारे पुदीने के पत्ते निकाल लूंगी। अब मैंने 1 घंटा पहले जो बासमती चावल है बिरयानी का वो भिगो के रखा था, उसको मैं इस पानी में ऐड कर लूँगी। याद रहे बिरयानी पकाने से पहले 1 घंटा टाइम ये चावल भिगोना है। चावल 1 घंटा टाइम भिगोने से ही हमारा चावल अच्छे से पकता है बासमती का। मैंने वो वीडियो स्किप हो गया है मेरा, इसीलिए मैं नहीं बता सकी, तो मैं अब बोल दी हूँ, आप थोड़ा ख्याल रखें। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और तेल भी 2 से 3 टेबलस्पून तेल भी ऐड करूँगी। अब इसको 75% चावल पकने तक मैं पकाऊँगी। दूसरी साइड हमारी अपनी दही डालने के बाद अच्छे से पक गई है। अब इसमें लो फ्लेम में ही हम जो फ्राई किए हुए मच्छी है, फिश है, वो हम इसमें प्लेस करेंगे, ऐड करेंगे। फिश को अच्छे से धीरे से उसको प्लेस करना, उसको असेंबल करना उसमें अपनी में, क्योंकि वो टूट भी सकती है, ध्यान से इसको असेंबल करना। सारी फिश को मैं ऐसे ही असेंबल कर दूंगी ताकि उसका फ्लेवर अपनी में चला जाए फिश का। अब बैलेंस जो ऑयल था वो ऑयल भी इसमें ऐड कर इसको 5 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट लो फ्लेम में पकाने के बाद हमारा फिश का फ्लेवर उसमें अपनी में चला गया है। अब इन सारी फिश स्लाइसेस को 1 by 1 करके मैं धीरे से निकाल लूँगी एक प्लेट में। ध्यान रहे धीरे से निकालना, नहीं तो अपनी में फिश पककर है तो टूटने का चांसेस हैं, तो धीरे से निकालना। सारी फिश को निकाल लेना। इस तरह मैंने सारी फिश निकाल ली है। अब इस अखनी को थोड़ा मिक्स करूँगी। दूसरी तरफ हमारा चावल पक गया है, 75% हमारा चावल पक जाना चाहिए, 25% कच्चा रहना चाहिए, तभी वो 25% दम होने तक बराबर आएगा। मैंने एक कंटेनर लिया है, उस पर झन्नी रख ली है। उस झन्नी में मैं चावल छान लूँगी। सारा पानी नीचे हो गया, चावल का पानी निथारने के बाद मैं
सारा चावल अखनी में मिला डाल लूँगी, ऐड कर लूँगी। चावल को मिक्स नहीं करना है, खाली स्प्रेड करके इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर देना है। फूड कलर ऐड करना, जो भी फूड कलर आपको पसंद है। उसके बाद जो मच्छी हमने अखनी से निकाली थी फिश, उस फिश को हम इस चावल के ऊपर प्लेस करेंगे। सारे फिश को धीरे से प्लेस करना। हम मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। इसी तरह मैंने मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी बना के यूट्यूब में डाला है। मैं उन तीनों का लिंक मैं इसमें शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसको जो भी उसका ऑयल है उसमें ऐड करके अब एक क्लीन कॉटन दुपट्टे से इसको ढककर ऊपर लिड मोच लेना और इसके ऊपर कोई भी हेवी चीज़ रख देना। 15 से 20 मिनट तक हम लो फ्लेम में पकाएंगे। 15 से 20 मिनट मैंने 20 मिनट तक पकाया है लो फ्लेम में। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। हमारी फिश बिरयानी रेडी हो गई है। अब इन सारी मच्छी को एक एक करके निकाल लेना। मैंने सारी मच्छी को एक प्लेट में वन बाय वन करके निकाल लिया है केयरफुल से। अभी इसी तरह निकाल लेना। मच्छी को निकालने के बाद हम चावल और अखनी को दोनों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना। अच्छे से मिक्स करना चावल को, फिश को चावल में ऐड नहीं करना है। फिश को जैसा हमने प्लेट में निकाला है प्लेट में ही सर्व करना है। प्लेस करके एक प्लेट में, अब एक प्लेट में हम बिरयानी निकालेंगे। चावल निकालने के बाद उसके ऊपर हम जो फिश है वो फिश को ऊपर रखेंगे। हमारी फिश बिरयानी रेडी हो गई है। ज़रूर आप ट्राई करना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे को कमेंट ज़रूर करना। बिरयानी को ट्राई करना, इसको रायते के साथ सर्व करना। खाकर मेरे को आप बनाकर कैसे हैं मेरे को कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।